हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत भोरी ऊपर। आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए वार्षिक मूल्यांकन अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5, जो कि विषय है आपका हिंदी। कक्षा 5 के लिए मैं जो वार्षिक पेपर होने वाला है उनका पेपर लेकर आया हूं, तो इनका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कुल प्रश्न होंगे अपना इसमें 14 और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अंकित करना है। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं तो आप एडमिट कार्ड अपने स्कूल से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह का कुल आपका पेपर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखे, तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं तो सही विकल्प को लिखना। जैसे अपना पहला सही विकल्प है उपहार में उपशब्द है क्या है, प्रत्यय। इसके बाद अगला है कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा उन्नत बीज खाद व कीटनाशक। इसके अलावा और कुछ खरीदेंगे तो वह पैसा व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को भेंट की क्या की, फलों की टोकरी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है मेरा नया बचपन क्या है, मेरा नया बचपन। इस तरह अपन इन सही विकल्प को हल करके आगे चलेंगे तो आपको खाली स्थान मिलेंगे। खाली स्थान देखते हैं अपने कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अपन को रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या भरे ना, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं क्या, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खाँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप क्या लिखेंगे, पाप। कोड़ाना दुर्ग की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए कौन, वीरगति को प्राप्त हुए शिवाजी राजे, ठीक है ना। आगे चलिए अगला प्रश्न अपना विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले को बड़े गौर से देखते हैं, वैद्यशाला को बड़े गौर से देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अपने प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को क्या करना है, पढ़ना है और उनके उत्तर लिखना। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन की कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करती है, तो इनके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कीजिए। बनवीर तलवार को लेकर महल में क्यों जा रहा था। अगले देखिए निम्नलिखित शब्दों में विशेष चुनकर लिखिए, विशेषण चुनकर लिखिए। विशेषण मतलब क्या है, नया जीवन, इसमें जीवन होगा। खुशबूदार फूल, खुशबूदार क्या है, फूल, तो खुशबूदार। जलती दोपहरी, तो इनमें क्या हो गया, दोपहरी, इसमें जल्दी हो जाएगा विशेषण। जो इसकी विशेषता बताए कि क्या है तो कि उसको विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द लिखना है अपना। जैसे उजाला पुराना और अच्छा, उजाला को हो गया अंधेरा, पुराना को हो गया नया, अच्छा को हो गया बुरा। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, देखिए शुद्ध रूप लिखने जो प्रयास लिखा है इसको अपन लिखेंगे प्रयास, ठीक है ना, क्या लिख देंगे प्रयास। कर्ज लिखा है तो इसको लिख देंगे कर्ज, तो ये कर्ज हो जाएगा, राखी लकार लगे। प्रसून लिखा है तो इसको लिख देंगे प्रशन्न, ठीक है ना, तो ये अपनी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। आगे देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी एक कविता की चार पंक्तियां लिखें, तो आप कोई भी कविता ले लीजिए उसकी चार पंक्तियां यहाँ पर लिख दीजिए, तो ये आपका हल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो आपको इस पद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, अभ्यास का क्या महत्व है ये भी अपन को लिखना है। तो यहाँ पे अथवा वाले प्रश्न भी अपने होते हैं, जैसे हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य प्रदर्शित करती है, अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो इस तरह अपन इन प्रश्नों के उत्तर अपनी बुक से देखकर लिख लेंगे, ठीक है ना। अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। ईदगाह पर अपने रम्मो कल्लो कहानी के कहानी का सारांश लिखिए। तो इस तरह अपन प्रश्नों के सारे उत्तर अपनी बुक से देखकर लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक विषय पर अपने को निबंध लिखना है, तो देखिए 10 पंक्तियाँ लिखना है। तो मेरा प्रिय खेल, कंप्यूटर का उपयोग, मेरी शाला, सफाई का मत, इस तरह अपन इनमें से किसी भी एक पर अपन 10 वाक्य लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कोष्टक उचित शब्द चित्व लिखित पूर्णत करत, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित शब्द चुनकर लिखना है। जैसे वर्ष से एकादशा मासा नहीं द्वादशा मासा, वर्ष में कितने मास होते हैं 12, दीपावली कार्तिक मास है, किस मास में होती है कार्तिक मास में। प्रश्नोत्तर एक पदानी उत्तर लिखित, तो इसमें थोड़ी सी संस्कृत दी गई है, तो इस तरह अपना ये प्रश्न पूरा हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके हर एक दोस्त की मदद हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।